हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं सेफ मोड के बारे में कि अगर आपका कंप्यूटर अगेन एंड अगेन जो है वो सेफ मोड में ऑन हो रहा है तो क्या रीज़न होता है कि अगर आपका कंप्यूटर जो है वो दोबारा दोबारा से सेफ मोड में ऑन हो जाता है। आप उसको चाहे नॉर्मली स्टार्ट करो चाहे उसको रिस्टार्ट करो, वो सिस्टम आपका जो है वो सेफ मोड में ही ऑन होगा। तो क्या सेटिंग होगी जिससे आपका जो सिस्टम है वो नॉर्मल मोड में चल पड़ेगा, तो चलिए आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। करना क्या आपने कुछ नहीं करना है, दो तीन सेटिंग है वो आपने सिंपली चेंज करनी है अपने सिस्टम से। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट। सबसे पहले क्या करना है, अपने अपने जो कीबोर्ड का विंडो प्रेस है वो करना है प्लस आर, ठीक है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे उसमें आपने टाइप करना है एम एस कॉन्फिग। जैसे ही आप टाइप करोगे एंटर प्रेस करोगे, देखिए यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देखिए जैसे मेरे पास ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, आपने क्या करना है इसको ऊपर वाला सेलेक्ट करना है। जैसे नॉर्मल सेटअप है इस पर आपने सेलेक्ट करना है, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने सेकंड टैब में जाना है, बूट में, वहाँ पर क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पर आपका पहले से अगर सेफ मोड में टिक है तो इसको क्या करना है, आपने अनचेक करना है और सिंपली आपने इसको अप्लाई और ओके कर देना है। देन उसके बाद सिस्टम मांगेगा आपको रिस्टार्ट, आपने कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। जैसे ही आप इसको रिस्टार्ट करेंगे आपका जो सिस्टम है वो नॉर्मल मोड में ऑन हो जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सेफ मोड आराम से इसको नॉर्मल में चेंज कर सकते हैं। सिर्फ यही एक सेटिंग है जिससे आप जो है वो अपना सिस्टम को नॉर्मल मोड में ऑन कर सकते हैं। बाकी कोई भी सेटिंग जो है अगर आप डायरेक्टली भी उसको नॉर्मल मोड में ऑन करेंगे तो वो नहीं होगा, सिर्फ यहाँ से ही वो नॉर्मल मोड में ऑन होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। थैंक यू।